शालिन स्टार्ट इनवाइट मी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस एपिसोड, अ वेरी बिगिनिंग ऑफ द डिप्सी इनिशिएटेड डायबिटीज प्रेगा टॉक्स विद द थीम ऑन फोकसिंग ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया के साथ, जिसके अभी करेंटली हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर सुनील गुप्ता हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और साथ में हैं हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट ऑफ डिप्सी डॉक्टर राजीव चावला सर। तो ये दोनों एक्सपर्ट्स की और हमारे जो फाउंडर पैटर्न है डॉक्टर सेशिया सर जो चेन्नई से है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आजकल हम बात करते हैं डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी भी उसी प्रपोर्शन में बहुत बढ़ गया है, तो ये इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगी डॉक्टर सुनील गुप्ता सर को, जो आप सबसे एक बार डिप्सी के बारे में और इस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी कॉन्वर्सेशन चालू रखेंगे डॉक्टर राजीव चावला के साथ। सो वेलकम डॉक्टर सुनील गुप्ता सर एंड डॉक्टर चावला सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ डिप्सी, और शालिनी आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी। यह जो डिप्सी का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा, तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। सत श्री अकाल जी, एंड आप सहरानु मेरे वो वलो जी आयनु। आज हम लोगों ने पहली बार यह कार्यक्रम पंजाबी और हिंदी इसमें करने की कोशिश करी है, बड़ा ऐसा प्रयास करने की कोशिश करी है कि हम लोगों तक करीब तक पहुंच सकें और आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर सकें। तो डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप जो है डिप्सी, ये करीब करीब पिछले 40 सालों से 30-40 सालों से काम कर रहा है। पिछले करीब 20 सालों से हम लोग बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और यह पहला इनिशिएटिव है जो हमने डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इन इंडिया को पब्लिक में अवेयरनेस के लिए हम चालू किया है। जैसा कि डॉक्टर शालिनी ने बताया कि हमने डॉक्टर सेशैया जो है हम इसके फाउंडर, उनका बर्थडे आ रहा है 10th of March को, तो उसके पहले और उसके बाद में हमने सीरीज ऑफ इस तरह से एजुकेशन प्रोग्राम चालू करने की और आपके तक पहुंचने की जरूरत की कोशिश की है। तो ये जो कार्यक्रम है, यह हर बुधवार को शाम को 6 से 7 के बीच में रहेगा, 6 बजे शार्प शुरू होगा। इसमें पूरे इंडिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स, आज इस समय आपके साथ में डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर राजीव चावला हैं, जिनके बारे में डॉक्टर शालिनी इंट्रोडक्शन देंगे अभी। वो इमीडिएट पास्ट प्रेजिडेंट ही नहीं, हमारे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और पूरे देश में और इंटरनेशनली भी उनका नाम एज ए डायबिटोलॉजिस्ट काफ़ी फेमस है। पहले वो RSSDI के अध्यक्ष भी नेशनल रह चुके हैं। तो इस कार्यक्रम में अलग अलग एक्सपर्ट हर हफ्ते बुधवार को आया करेंगे और आपसे कोशिश करेंगे आपके भाषा में आप तक पहुंचने का, जिससे आप मधुमेह और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी और डायबिटीज से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमको समझना जरूरी है। हर गर्भवती महिला को जीवन में, जब भी गर्भवती का महिला जो होती है, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसे कौन कौन सी जांच करना जरूरी है, जिसमें डायबिटीज का कितना महत्व है, और मधुमेह को या हाई शुगर को प्रेगनेंसी में यदि हमने अच्छे से कंट्रोल किया तो हम आगे आने वाली जनरेशन को हम शायद मधुमेह और बाकी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन, जब बच्चा पेट में ही हो। तो इस तरह की चीजें जब हम किसी भी कार्यक्रम में बैठते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य यह नहीं होता कि हमने ट्रीटमेंट देना है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि आप अपने आप को इतना अच्छा नॉलेज में एम्पावर कर लें, आपका नॉलेज इतना अच्छा हो जाए कि आप उस चीज को, हमारे समाज में फैली हुई जो गलत धारणाएं हैं, उससे बाहर निकलकर साइंटिफिक तरीके से उस पर एक्ट कर सकें, जिससे आप आने वाली जनरेशंस को इन इसके साइड इफेक्ट से बचा सकें। तो मधुमेह हमारे देश में बहुत स्पीड से फैल रहा है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। उसी तरह प्रेगनेंसी डायबिटीज भी है, पर उसको हमने अर्ली डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, छोटी छोटी चीजें जो डॉक्टर राजीव आज आपको सामने बताएंगे। मैं यहीं रहूंगा आपके साथ, कुछ कुछ रहेगा तो मैं भी बीच में बात करूंगा, यदि राजीव सर हमको अलाउ करेंगे तो। अदरवाइज शालिनी और राजीव के लिए प्लेटफॉर्म ओवर टू यू। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ
National DIPSI and Professor Shishia and the team of DIPSI National. Thank you very much. Thank you, Dr. Sunil. Sat Sri Akal ji. Dr. Sunil, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा एक ये नया इनिशिएटिव जो आपने DIPSI के डोमेन के अंडर DIPSI के हमारे स्टडी ग्रुप के अंडर आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम इसको कंट्री वाइड लेके जाएंगे थ्रू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस. वो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपर्ट कई बार इंग्लिश स्पीकिंग लाते हैं और वो हमारे सब रीजन्स वाले लोग उनको नहीं समझ पाते हैं. और हमारे देश में वैसे भी हमें मालूम है कि हर चीज में बहुत वेरिएशन है लैंग्वेज के अंदर. और डायबिटीज के भी अगर हम बात करें, डॉक्टर सुनील ने आपको पहले बताया कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के अंदर जो डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है, वो हमारे यहाँ बहुत ही एक दुख की बात है कि इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर उसका जो प्रेवलेंस है वो बहुत हाई है अगर हम इसको विदेशों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें. तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज के अंदर पहुंच पाए, उनको इसका महत्व समझा पाए ताकि उनके अंदर इस बात की सेंसिटिविटी हो, इस बात की जागरूकता हो कि वो कल को अगर हमारी अपनी फैमिलीज के अंदर, उनके आसपास, अपने मित्र संग में किसी को, किसी लेडी को या किसी लेडी को ये प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज का कुछ होता है तो उसको, उसके लिए वो जागरूक कर सके, टाइम से उसकी ट्रीटमेंट ले सके. इस सारे प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है. और बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सुनील ने कहा कि ये डॉक्टर बी शिशाय जो हमारे पैटर्न है DIPSI के, पिता में है हम सब लोगों के लिए, वो उनका ये एक हमेशा ड्रीम रहा है कि हम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी का के बारे में देश व्यापक एक जागरूकता ला पाए. तो उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इसमें हम सिर्फ अपने डॉक्टर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे, हमारा मकसद है कि हम उन पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स नहीं है उन फैमिली में, उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको कल, अगर आज इस जागरूकता से कल कोई फायदा हो सके तो हम समझेंगे कि हम अपने मकसद में सफल हुए हैं. डॉक्टर सुनील ने आपको बताया डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, या अगर हम चीज और बताना चाहेंगे हमारे लोग सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को, कि हमने पहला जो प्रोग्राम है अभी ये संडे को 30 तारीख को हमने इनॉग्रेशन के समय डॉक्टर वी शिशैया का इंटरव्यू के रूप में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं और आज का यह सेकेंड एपिसोड है. तो आप लोग इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए, आप यदि बैठे हैं तो कलम और पेज लेके, पेन लेके बैठ जाइए और वहां पर जो अच्छी चीजें हैं उसको लिख लीजिए. जो अपने मन में शंका है उसको आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां पूछ सकते हैं. और बिल्कुल भी पूछने में कोई भी प्रकार की आप कंजूसी मत बरतिए और आप जो भी पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट उसको बताने की कोशिश, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो सवाल आपके, जवाब हमारे. तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि हम अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस बोलने वाले अपने फैकल्टी मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे. जैसे आज नॉर्थ से, दिल्ली से मैं और डॉक्टर राजीव चावला ट्यून्ड इन है क्योंकि हमारी लैंग्वेज है हिंदी और साथ में पंजाबी. तो अब हम हिंदी बोलेंगे पंजाबी के तड़के के साथ और बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश का तो यूज होगा ही होगा. तो आई होप हम लैंग्वेज वो बोलेंगे जो आप और मैं अक्सर बोलते हैं और समझते हैं. तो पंजाब के हमारे दर्शकों को बहुत बहुत सत श्री अकाल, वेलकम टू दिस शो. असी तुहाडे वास्ते बहुत सारी गल्लां लेके आ रहे हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी दी अवेयरनेस करन वास्ते. तुहाडे कोई भी सवाल हैगे ने तुसी खुल के साडे नाल पुछो, चैट बॉक्स विच क्वेश्चंस डालो ते असी तुहाडे आंसर्स देन दी पूरी पूरी कोशिश करांगे. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. तो डॉक्टर चावला, मैं सबसे पहले यही बात करना चाहती हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि जब हम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जो सबके लिए एक बहुत खुशी का मौका होता है क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला है, परिवार पूरा एकदम खुश हो जाता है. बधाइयां ही बधाइयां फॉर एवरीबडी, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि अच्छा चलो एक नया मेहमान आएगा. तो ऐसे में अगर हम जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है वो दो प्रकार से हो सकती है. एक तो ये है कि आपको ऑलरेडी शुगर है और आप बेबी प्लान करना चाहते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं टाइप 1 या टाइप 2, तो क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लड़कियों को डायबिटीज है या लेडीज को डायबिटीज है तो प्रेगनेंसी प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर हम पहले से डायबिटिक हैं
तो क्या प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई दिक्कत है, तुहानूं कोई दिक्कत आ सकती है जे तुहानूं पहले ही शुगर हैगी है? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे अच्छी बात आपने जो शुरुआत में कही कि एक बड़ा अच्छा सगन माना जाता है, जब भी एक फैमिली के अंदर बच्चों को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो सबसे पहले एक चिंता बनी होती है कि अभी तक हमारा बच्चा कंसीव क्यों नहीं हुआ और अभी तक जो हमारी बहू है उसको गर्भ क्यों नहीं ठहरा, हिंदी में जैसे हम बात करते हैं, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज मानी जाती है। लेकिन जैसे डॉक्टर सुनील ने कहा और डॉक्टर शालिनी ने भी कहा कि आज के दिन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रेगनेंसी एक हम एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो। हम सब लोग भगवान में विश्वास करते हैं, अक्सर हम ये कहते हैं कि जब भगवान की, ये तो भगवान की माया है और जब भगवान की कृपा होएगी तो अपने आप ही बेबी हो जाएगा। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर शालिनी ने कहा कि उन फीमेल्स को जिनको पहले से, उन लेडीज को, उन औरतों को जिनको पहले से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको मालूम है पहले से उनको शुगर है, वहां ये और भी जरूरी हो जाता है कि ये एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो। हम सिर्फ इसी बात को ना मान के चलें कि जब भगवान की कृपा होगी तो बेबी अपने आप आ जाएगा। उसमें बहुत जरूरी है कि हम उस प्रेगनेंसी को प्लान करें। इसको हम मेडिकली बोलते हैं कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होनी चाहिए, उस परिवार में डिस्कशन होना चाहिए। मे बी जो उनकी सासू माता है या हस्बैंड वाइफ, दोनों जाके पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक फिजिशियन के साथ एक डिस्कशन करें, उनको ये बताएं कि हमारी इस बिटिया को पहले से शुगर है, या तो वो इंसुलिन पे है अगर वो टाइप 1 डायबिटिक है, या वो ओरल टैबलेट्स में है तो उनको टाइप 2 डायबिटीज है। तो उनमें खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं जो ओरल ड्रग्स पे चल रही हैं और उन्होंने कंसीव करना है या प्रेगनेंसी करनी है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि 3 महीने पहले से ही उनका शुगर बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो। इसका एक पैरामीटर होता है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कि वो HbA1c 6 या 6.5 के करीब हो। इसका मतलब लास्ट 90 से 120 दिन में आपके सारे शुगर्स 140 की रेंज में है, वो एक एप्रोप्रिएट टाइम है कि आप तब प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये टाइप 2 डायबिटीज है, जो लेडीज ऑलरेडी ड्रग्स के ऊपर शुगर कंट्रोल है, उनको ये पहले ही से ही हिदायत होनी चाहिए, वो उनके फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास वो जाएंगे, तभी हम ये कह रहे हैं कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो उनसे जाके पहले मिले, कम से कम 3 महीने पहले प्लान करने से पहले वो इंसुलिन पे आ जाएं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सेफ नहीं होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब इमीडिएटली वो कंसीव कर जाएंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी या गर्भावस्था में आ जाएंगी, तो पहले 4-5-6 वीक्स तक कई बार प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है। हम सबको मालूम है कि कम से कम एक साइकिल जब निकल जाता है तभी कंफर्म होता है कि एक साइकिल नहीं आया तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये उस फीमेल के लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि वो टैबलेट्स के ऊपर कंसीव ना करें। तो उस प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के अंदर फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट उनको पहले इंसुलिन पे डाल दें, उनके शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल कर ले, ताकि विद इन 140 शुगर्स हो सारे, तभी वो जाके प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और ये एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो। भगवान की माया तो है ही है, भगवान की कृपा तो है ही है, वो हमेशा हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेगनेंसी को एक प्रिपेयर होके, एक ग्राउंड बना के, जिसमें ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल हो उन ड्रग्स के ऊपर जो सेफ ड्रग्स हैं। अगर उस लेडी को पुराना डायबिटीज मधुमेह है तो उसका पहले हम चेक कर लें कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है, उनका किडनी गुर्दे बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, उनके आंख के पर्दों में कोई चेंजेस तो नहीं है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि ये चीजें हैं जो प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा इनके अंदर कोई डिटोरेशन या कुछ इनके अंदर और खामियां बढ़ सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, हम इसको सिंपली साइंस के युग में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर चावला ने बताई है कि अगर आपको पहले ही डायबिटीज है, यानी तुहानू जे पहले ही शुगर है, तुसी टैबलेट्स लेंदे हो, ते टैबलेट्स लेना इज नॉट सेफ फॉर यू, क्योंकि प्रेगनेंसी में टैबलेट्स आपके बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप गोलियों पर हो, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप पहले ही कम से कम 3 महीने पहले अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए, ताकि वो आपकी गोलियां बंद करके आपकी शुगर को टाइट कंट्रोल करें इंसुलिन की मदद से।
सो दैट जब आप प्रेग्नेंट हो तो इंसुलिन से आपकी शुगर्स को टाइट कंट्रोल किया जा सके और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी शुगर कंट्रोल रहे. अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और इंसुलिन ऑलरेडी लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका एच बी वन सी 6-6.5 के बीच में है और कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप बड़े आराम से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं अपने डॉक्टर से संपर्क करके. तो इसके साथ ही बहुत राजीव डॉक्टर राजीव, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें बच्चा भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए. अच्छा भी, अच्छा बच्चा. इसको डॉक्टर सुनील हम जच्चा बच्चा बोलते हैं पंजाबी के अंदर. सब जानते हैं जच्चा बच्चा क्या है. अच्छा भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, सेफ प्रेगनेंसी चाहिए. नहीं नहीं, हमको सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, हमको अच्छा बच्चा चाहिए. मदर की सेफ्टी भी चाहिए, अच्छा बच्चा दोनों की. हाँ, और उसकी फ्यूचर भी अच्छी चाहिए उस बच्चे की. तो अभी हमारा मेन जो फोकस है डिप्सी का वो यह है कि ये जो बच्चे हैं यदि हमने शुगर कंट्रोल नहीं करी, कंट्रोल नहीं हुई, सपोज किसी कारण से मालूम नहीं पड़ा, देर मालूम पड़ा, और ये बच्चे में यदि उस शुगर का असर हो गया जो बच्चे माँ में है वो बच्चे में रहेगा, तो वो आगे जाके ये जो बच्चे हैं ये युवावस्था में, कुछ किशोरावस्था में और आगे जाके उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम होने की संभावना होती है. तो यदि उनको इन सब चीजों से हमको बचाना है तो उसकी न्यू हमको आज बोनी पड़ेगी. हम बोलते हैं ना, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो आप बोलते हैं न्यू अच्छी बना भैया, वहां पर अच्छे सीमेंट यूज करो, अच्छा ईंट यूज करो. तो नए जनरेशन की न्यू वो प्रेगनेंसी के अंदर ही हो जाती है, गर्भावस्था में ही हो जाती है. जो हर माओं को समझना बहुत जरूरी है, हर उन पिता को समझना जरूरी है जो नए बच्चे की रास्ता देख रहे हैं. तो ये हमको आज आपने बिल्कुल ठीक कहा. हम हरियाणा और पंजाब में सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं. साढ़े तो अच्छा कोई नहीं जानता कि जिन्हें तक तुसी उसकी खुदाई अच्छी नहीं की और बीज वो अच्छा नहीं डलिया तो पौधा कभी अच्छा नहीं आएगा और फल नहीं आएगा उस पौधे के उत्ते. ये बहुत जरूरी है कि असी एक बड़ा अच्छा ग्राउंड क्रिएट करिए, एक ठीक टाइम से उसे बीज डाले जाए और फिर उस बीज की परवरिश एवं की जाए कि वो खाली अच्छा पेड़ भी बने और उससे अच्छा फल भी आए. ते बहुत जच्चा बच्चा दा ठीक रहना बहुत जरूरी है. दोस्तों, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने ये बहुत क्लियरली कहा कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो बहुत जरूरी है कि हम प्लान करें. और उसका कारण बड़ा सिंपल सा है. अगर मैं आपको बताऊं, कारण सिंपली ये है कि अगर आपको डायबिटीज है प्रेगनेंसी में तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी और आप एकदम प्रेग्नेंट हो गए तो आपको पता तो चलेगा एक महीने बाद जब आपके पीरियड्स मिस हुए हैं. लेकिन इस एक महीने में अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बच्चे के ऊपर अगर आप गोलियां खा रहे हो उनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है. दूसरा, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, शुगर हाई चल रही है, तो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन भी हो जाता है. और अगर ऐसा ना भी हो तो क्या हो सकता है, बच्चे में बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज यानी कि पैदाइश के वक्त उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी ऑर्गन डेवलपमेंट. क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे की सबसे पहले दिल की धड़कन आती है 6-8 हफ्ते में. अगर शुगर बहुत हाई हो, बहुत अनकंट्रोल्ड हो, कई बार धड़कन ही नहीं आती, कई बार धड़कन तो आ जाती है लेकिन जो बच्चे के अलग अलग अंग डेवलप हो रहे हैं उन पे बहुत फर्क पड़ जाता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्लान करके प्रेगनेंसी करें. तो ये तो बात हुई जिनको पहले शुगर है उन्होंने की करना है, उन्होंने शुगर नू बहुत टाइट कंट्रोल करना है, तो डॉक्टर नू मिलके अपनी प्रेगनेंसी नू तुसी प्लान करना है. जिनको शुगर नहीं है, अब ऐसा भी बहुत सारा देखा गया है कि हमारे देश में डायबिटीज इतनी ज्यादा है, हम लोग अक्सर ओवरवेट होते हैं, शादी लेट हुई, वजन बढ़ गया, फिर प्रेगनेंसी हुई, 28-29 साल की उम्र हो गई, हम सब वर्किंग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शादी ही लेट हुई, बच्चा भी लेट होगा. अब ऐसे में अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है तो एक बड़ी अलग तरह की डायबिटीज होती है जिसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज. इसका मतलब है गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज. अब ये ना आपकी नॉर्मल डायबिटीज से थोड़ी अलग होती है. नॉर्मल डायबिटीज में क्या है, आपको ऑलरेडी शुगर है और आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं प्लानिंग करके. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको तो शुगर थी ही नहीं और आपने आप प्रेग्नेंट हुए, अचानक से आपके डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया तो पता चला जी शुगर है. ये टेम्पररी तरह की डायबिटीज होती है. तो डॉक्टर चावला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जेस्टेशनल डायबिटीज एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? तो सी बिल्कुल ठीक किया. जेस्टेशनल डायबिटीज की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. उसके 2-3 रीजन है. पहली चीज जो डॉक्टर सुनील ने भी कही कि जेस्टेशनल डायबिटीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है. अगर असी इनू विदेशों के नाल कंपेयर करके देखिए तो लगभग 11 गुना विदेशी
फीमेल दे कंपैरिजन विच इंडियन फीमेल नू डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है. ऑलरेडी फिगर्स है लगभग 6 मिलियन फीमेल प्रेगनेंसीज के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज होती है. जेस्टेशनल डायबिटीज जिस तरह डॉक्टर शालिनी ने तुहानू दस्या वो डायबिटीज है जिहड़ी पहली बार शुगर जब तुहाडा फर्स्ट ट्रिमेस्टर 12-13 वीक्स के करीब आती है इंडियन पेशेंट्स विच. मोस्टली जिहड़े विदेशी पेशेंट हैगे आ उन्हां विच 24-28 वीक्स विच पहली बार आती है. लेकिन साढ़े देश विच क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क मैं तुहानू दस्या कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अंग्रेजी पॉपुलेशन या विदेशी पॉपुलेशन दे. ते साढ़े पेशेंट्स विच ये भी देखा गया कि पहले ट्रिमेस्टर 12-13 वीक्स विच 6 वीक्स से तुहाडी प्रेगनेंसी कन्फर्म हुई जिस तरह डॉक्टर शालिनी ने दस्या और 12 वीक्स तक ऑलरेडी सारे चीजा ऑलरेडी डिवेलपमेंट ही चल रही है. और पहली बार जब तुसी गायनेकोलॉजिस्ट नूं दिखाण गए तो पता लग्या कि तुहाडा शुगर भी ज्यादा चल रहा है. तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होंगी है. इन्हू बोलते हैं असी फर्स्ट ANC मदर की जी पहली विजिट गायनेकोलॉजिस्ट नूं या अपनी नर्स नूं होंदी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है. 12-13 वीक्स की ऐसी टाइम शुगर नूं पहली बार चेक करना बड़ा जरूरी है. इस दे वास्ते डिप्सी का जिहड़ा सिंगल स्टेप क्राइटेरिया है शायद इसते एम्फेसिस बहुत ज्यादा दिता है. उन्होंने अपना 50 साल का उन्होंने रिसर्च एविडेंस प्रोड्यूस किया है और बड़ी अच्छी गल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हू एक्सेप्ट किया है कि इंडियन पेशेंट्स वास्ते सिंगल प्रेगनेंट सिंगल टेस्ट करना है ग्लूकोज टेस्ट 12-13 वीक से. जब पहली बार तुहाडे कोल फीमेल आएगी गायनेकोलॉजिस्ट कोल जाएगी उन्हूं 75 ग्राम ग्लूकोज नू 300 ml वाटर ही डिजोल्व करके चाहे वह उन्हें पहले खाना खाया हो है या खाली पेट है उस नाल उसका कोई वास्ता नहीं है. तो वह 5 मिनट ही ग्लूकोज का पानी पी लेंगे तो उसके बाद 2 घंटे के बाद एग्जैक्टली शुगर चैक किया जाएगा. अगर वह शुगर 140 तो ज्यादा आता है तो इसका मतलब उस फीमेल नू जेस्टेशनल डायबिटीज है. तो इमीजिएटली हुण जिहड़ी गल मैं कही कि पहली विजिट ते क्यों इंपॉर्टेंट है अगर असी इस विजिट ते पिकअप नहीं किया 15% फीमेल्स नूं इह फर्स्ट ट्रिमेस्टर ही हो जाता है. अगर असी नॉर्मल 24 वीक्स तक वेट करते रहिए तो साड़ी इस फीमेल नूं शुगर हाई चलते जाएंगे तो बड़ी सारी अबनॉर्मैलिटीज होने का रिस्क रहेगा. बच्चे का वेट ज्यादा होएगा अंदर फ्लूड इकट्ठा ज्यादा होएगा ऑर्गनस के अंदर भी डॉक्टर शालिनी ने तुहानूं दस्सिया कई चेंजेस आने दे अंदेशा है. ते पहली प्रेगनेंसी दी विजिट 12-13 वीक्स बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है. उससे सिंगल डिप्सी दा टेस्ट जरूर करके देखना है कि ग्लूकोज नॉर्मल है कि नहीं. अगर सिंगल टेस्ट के अंदर ग्लूकोज 140 ते ऊपर आया तो असी इनू मान लांगे कि उनू जेस्टेशनल डायबिटीज है. इमीजिएटली उनू रहन सहन के अंदर चेंजेस खान पान के अंदर चेंजेस जिन्हों लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन असी कहने हैं डाइट के अंदर चेंजेस वो सारा कुछ उन्हें समझाया जाएगा ताकि उसके शुगर नॉर्मल रह सकन. आलमोस्ट 60-70% फीमेल्स नू डाइट के नाल रहन सहन चेंज करन दे नाल ही शुगर कंट्रोल आ जाता है. उन्होंने इंसुलिन या टैबलेट्स की जरूरत नहीं पैंदी. इस वास्ते पहली विजिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस द कंट्री पूरे हिंदुस्तान विच ए मैंडेट है कि हर फीमेल नू चाहे वह PHC च है किसी प्राइवेट सैक्टर है हॉस्पिटल है कम्युनिटी सेंटर है किसी क्लिनिक पहली बार दिखान गई है यह टेस्ट करना बहुत जरूरी है. तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. यह असी हर प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर अपनी ANMs अपनी नर्सिस अपने प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स सबनों यह मैसेज देना बहुत जरूरी है कि पहली विजिट 13 वीक्स से पहली बार शुगर जरूर चैक करन. अगर यह पहली बार नॉर्मल भी आता है तो फिर 24-28 वीक्स से दूजी बार टेस्ट करन. तद भी अगर नॉर्मल आता है तो तीजी बार 34 वीक्स या 32-34 वीक्स के उपर भी चैक करके देखिए क्योंकि साढ़े इंडियन फीमेल्स हर ट्रिमेस्टर GDM होने का रिस्क रहता है. अगर असी यह शुगर टाइमली कंट्रोल नहीं करांगे तो बहुत सारी कंप्लीकेशन होने का रिस्क है. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आलन ने बिल्कुल सही कहा कि तुसी सिर्फ पहले ही ट्राइमेस्टर चेक कर लिया तो शुगर नहीं है एदा ये मतलब नहीं है कि शुगर आएगी नहीं. बिकॉज कॉमनली देखो 15% लोगों नूं ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही पता चल जाती है शुगर है आ गई है. सपोज उस वेले नॉर्मल है लेकिन तुहाडा हाई रिस्क है बिकॉज असी इंडियंस दा रिस्क ना पता है 11 गुना ज्यादा है वाइट पेशेंट्स तो जेडे वाइट्स हैगे ने अमेरिकन ने उन्हां नूं ते GDM होंदी है साडे कोलों बहुत घट. इस वास्ते बहुत जरूरी है कि तुसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिर दोबारा सेकंड ट्राइमेस्टर ते तीसरे ट्राइमेस्टर अगेन बार बार शुगर चेक करते रहो बिकॉज किसी भी वेले शुगर वध गई तो तुहाडे बच्चे वास्ते ते तुहाडे वास्ते अच्छी नहीं है. हुण एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी डू नॉट डिस्कस
शालिनी, हमारे सभी श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है कि हर पांचवी या छठवी महिला जो हमारे एएनसी क्लिनिक में खड़ी हुई है, यदि आपके किसी हॉस्पिटल में यदि 10 महिलाएं खड़ी हुई हैं तो उसमें से 2 लोगों को प्रेगनेंसी का डायबिटीज रह सकता है। और इसीलिए हर महिला को, हमको लगता है कि नहीं हमको तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका ना संबंध आपके वजन से है, ना आपकी उम्र से है, ना ही आपके आपके पहली प्रेगनेंसी है दूसरी प्रेगनेंसी ना उससे है। कई बार महिलाओं के मन में रहता है पिछले बार तो नहीं थी इस बार कैसे होगी, तो पिछले बार नहीं थी पर इस बार भी हो सकती है। कुछ लोगों का रहता है पिछले बार थी तो इस बार भी 100% होगी, नहीं 100% नहीं होगी पर 70% चांसेस दूसरी बार भी होने के हैं। तो ये सब चीजें प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज में इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल शालिनी अब आप ब्लड शुगर कंट्रोल की तरफ बढ़ रही होगी। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज में ना सिर्फ मदर को रिस्क है, क्योंकि पता है क्या, उस वक्त तो शुगर की वजह से रिस्क है ही, लेकिन ये जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे मैंने कहा यूजुअली टेम्पररी डायबिटीज होती है, डिलीवरी होती है तो वो खत्म भी हो जाती है, लेकिन जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज पहली प्रेगनेंसी में या दूसरी प्रेगनेंसी में हुई, उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी जीडीएम का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी अगर आप वजन कम नहीं करते हो या आप ध्यान नहीं देते हो, वजन गेन करते जाते हो, तो आपको परमानेंट डायबिटीज भी आ सकती है। और यही नहीं, आपके बच्चे को गर्भावस्था में भी आपने एक संस्कार तो गलत दे दिया, और वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का संस्कार। तो जो हम कहते हैं ना कि बच्चे को जो भी संस्कार देते हैं वही बच्चे की नींव होती है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है ना गर्भ संस्कार के बारे में। तो अगर गर्भ में आपके बच्चे को पता चल गया कि मम्मी की शुगर ज्यादा है, तो फिर तो ये बच्चे का भी डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज में दोनों जेनरेशन, त्वाड़ा ते त्वाड़े बच्चे दा, दोनों दा डायबिटीज दा रिस्क बहुत हाई हो जाएगा। इस वास्ते बहुत जरूरी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज नो तुसी इमीडिएटली पकड़ो ते उनु तुरंत मैनेज करो कि बच्चे नु पता ही ना चले दी मम्मी जी शुगर बढ़ गई सी, है ना, तभी वो बच्चा नॉर्मल होएगा। अगर बच्चे को पता चल गया कि मम्मी की शुगर बढ़ी हुई है, बच्चा मोटा पैदा होएगा, हम बड़े खुश होएंगे, पंजाब में तो बड़े खुश होते हैं, ए मोला मोटा गोलू गोलू बच्चा पैदा होया। लेकिन जो ये गोलू गोलू बच्चा होता है ना, जब ये बच्चा बड़ा होता है मोटू होता है, तो उसको डायबिटीज भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आपने उसको ये संस्कार दे दिया है विरासत में। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज को टाइट कंट्रोल करें, ताकि बच्चा नॉर्मल वेट पैदा हो, यानी 3.5 किलो से नीचे, 3.5 किलो से अगर भारी बच्चा पैदा हुआ है तो ये बधाई वाली बात नहीं है, ये घबराने वाली बात है, और उसको तुरंत पतला करो, फिजिकली एक्टिव करो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर शालिनी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गर्भावस्था में ये हम हिंदू संविधान के अंदर, एक कल्चर के अंदर हम मानते हैं कि सारे के सारे जो वैल्यूज है, सारी की सारी फैमिली के गुण है, वो गर्भावस्था में मदर के फादर के चले जाते हैं। और ये बहुत ठीक बात कही, हम जानते हैं कि अर्जुन के बेटे को गर्भावस्था में ही उस धनुष को तोड़ने की पूरी कला का ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यूज हैं जो इनकल्केट हो जाती है इन यूट्रो ही जाके, ये सबका जैसे सीड्स होते हैं, जिस तरह के सीड्स हैं, आज अच्छे सीड्स हैं तो कल हमें अच्छा फल मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मदर जो है वो बच्चे को, एक बड़ी अच्छी कोट है कि बच्चे को मदर के यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर, गर्भ के अंदर ये कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी मदर को डायबिटीज है। अगर हम ये संस्कार बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, मदर का शुगर इतना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे को अंदर ये पता नहीं लगे कि मेरे मदर को डायबिटीज है, तो उस बच्चे को जब वो बच्चा ग्रो करेगा, एडल्ट होगा, एडोलेसेंट एज ग्रुप में जाएगा 15-20 साल का, तो उसको शुगर होने का, हार्ट प्रॉब्लम होने का, कार्डिक डिजीजेस होने का, हाइपरटेंशन होने का रिस्क बहुत कम होगा। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है कि शुरू से उसका शुगर अच्छा कंट्रोल किया जाए मदर का, ताकि बेबी को अंदर यूटरस में, गर्भ में ये कभी महसूस ही नहीं हो कि मदर को डायबिटीज है, तभी वो बच्चा एक नॉर्मल ग्रोथ हो पाएगी, तभी वो बच्चा ओवर ग्रो भी नहीं करेगा, बच्चे का वेट भी ज्यादा नहीं होगा। जिन मदर्स का शुगर अक्सर हाई रहता है, उन बच्चों का वेट नॉर्मली 4 किलो होता है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और शुगर्स होने का।
तो इसके बाद अब सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमें समझ में आ गई कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, शुगर प्रेगनेंसी में टाइट रखनी है, बच्चे को भी रिस्क है, माँ को भी रिस्क है, बहुत सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चा मोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब शुगर कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब हमें अगर शुगर कंट्रोल करनी है, चलो हम माँ को डाइट कंट्रोल भी कहेंगे, एक्सरसाइज भी कहेंगे, ये सब तो कहेंगे, लेकिन जब दवाई की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि बहुत सारे लेडीज कहते हैं नहीं नहीं मैं टीका नहीं लगाऊंगी, हम कहते हैं नहीं जी इंसुलिन लगाना है। तो कैसे शुगर कंट्रोल की जाए अगर सिर्फ डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से हमारी शुगर प्रेगनेंसी में नहीं कंट्रोल हो पा रही, क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा ये एक इश्यू लिया, बहुत जरूरी है ये समझना। जैसे मैंने शुरू में कहा, कई बार मदर को 12-13 वीक्स पे ही, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर हम बोलते हैं, उसी के अंदर शुगर हायर साइड पे आ जाता है, 140 से ऊपर की वैल्यू आ गई, हम स्टेट में उसको दवाई या इंसुलिन की बात नहीं करते। हम उनको बैठ के प्यार से समझाते हैं कि अगर तुसी अपना वेट कंट्रोल रखो, बहुत ज्यादा एक्सेस वेट गेन ना करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, मिठा तुसी घट खाओ, अपने रहन सहन खान पान का पूरा ध्यान रखो, तो 2/3 कम से कम 65% जो फीमेल्स में बिना किसी इंसुलिन या गोली के हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उनका शुगर हमें रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि वो शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रह रहा है। मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर शुगर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। अब दूसरी सेटिंग है, होती है कि अगर ये सब अच्छा रहन सहन खान पान एक्सरसाइज डाइट कंट्रोल के बाद भी अगर उनका शुगर 2 घंटे का शुगर 120 से कम नहीं रहता तो उनको दवाई की जरूरत है, ये निश्चित है। और इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक वेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी एक सिचुएशन है जो डिफरेंट है बाकी डायबिटीज की सिचुएशन से। बाकी डायबिटीज की सिचुएशन में हम कहते हैं कि 3 महीने तक भी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज करके देख सकते हो, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हमारे पास इस वक्त टाइम बहुत कम है, हम 2 वीक से ज्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल का उनको नहीं फॉलो कर सकते। अगर उसके बावजूद भी उनके 2 घंटे का शुगर फास्टिंग 90 से ज्यादा रहता है या 2 घंटे के बाद का शुगर 120 से ज्यादा रहता है, ये चीज समझने की कोशिश करो। एक बहुत सारे आम लोगों को ये रहता है कि नॉर्मल 140 शुगर है, जब मेरे फादर का 140 रहता है, डॉक्टर ने कहा था शुगर नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में वो सिचुएशन नहीं है, फास्टिंग 90 और खाने के 2 घंटे बाद 120 रहना चाहिए। अगर इस विंडो के अंदर, इस रेंज में हम शुगर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है उसको हम दवाई शुरू करें। और प्रेगनेंसी में एक बड़ा सिंपल सा आप बात समझो, बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल सेफ ऑप्शन सिर्फ इंसुलिन है। जैसे हम टाइप 1 प्रेगनेंसी की बात, टाइप 1 की बात करते हैं कि उन बच्चों को जिनको टाइप 1 है और जिनको लाइफ में सर्वाइवल के लिए इंसुलिन चाहिए, हमें अपने फीमेल पेशेंट को इसी ढंग से एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखो बेटे आपके बच्चे की किस्मत आपके हाथ में है। जैसे डॉक्टर सुनील ने बिल्कुल शुरू में पहले ही कहा कि हर प्रेगनेंसी का एम जच्चा बच्चा ठीक हो, मदर भी ठीक रहे और बच्चा भी ठीक रहे। प्रेगनेंसी का पूरा एम यही है कि ताकि वो एक नॉर्मल वंश आगे चल पाए। तो ये बहुत जरूरी है हम उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के उनको एजुकेट करें, समझाएं, क्योंकि जैसे हम उनसे इंसुलिन की फर्स्ट टाइम बात करेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो पहले डायबिटिक नहीं है। मदर इन लॉ साथ होंगी या हस्बैंड होंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि इंसुलिन क्यों दी जा रही है प्रेगनेंसी में, ये तो नहीं ले पाएगी डॉक्टर साहब इंसुलिन। तो हमें साथ बैठ के उनको समझाना जरूरी है कि आपके बच्चे की किस्मत, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ ये जो लाइफ लाइन है, ये जो लाइने हैं, ये लाइने अपने बच्चे की लिखना बनाना आज आपके हाथ में है। अगर ये 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, तो ये निश्चित है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और अगर आप आज इस बात पे गौर नहीं करते हैं, इंसुलिन के डर से आप फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी में शुगर्स हाई रहेंगे और बच्चे की किस्मत आपने गलत लिख दी। आप बच्चे की किस्मत से नहीं खेलना चाहते ना, कोई भी पेरेंट्स। जब हम मदर को ये बात समझा दें कि आपके बच्चे की किस्मत आपके हाथ में है, तो आई एम श्योर हर फीमेल एग्री कर जाती है इंसुलिन लेने के लिए। हाँ, कुछ सिचुएशन है, कोई रूरल एरिया से है वो इंसुलिन नहीं ले पाती हैं, उनको लगाना नहीं है, वहां पे संभव नहीं है, कुछ और रीजंस हैं। उन फीमेल्स में लेटर प्रेगनेंसी में जिनको खासकर डायबिटीज हुई है 20 वीक्स के बाद, सेकंड ट्रेमेस्टर और थर्ड ट्रेमेस्टर में,
उनमें एक दवाई है जो मेटफॉर्मिन जिसको हम बोलते हैं, वो दवाई को भी यूज किया गया है और ये पाया गया है कि उस दवाई के साथ भी रिजल्ट्स ठीक है। लेकिन इस शो के थ्रू हम ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे कि नथिंग इज मोर सेफर देन इंसुलिन। इंसुलिन सबसे सेफ ड्रग है। गोलियों के ऊपर कुछ इश्यूज लॉन्ग रन में देखे गए हैं। ये बच्चे जो इन मदर्स को जिनको मेटफॉर्मिन दिया गया उनके बच्चों में देखा गया है, वो ओवरवेट बच्चे बनते हैं, उनको बाद में 9-10-15 साल की उम्र पे पहुंच के ब्लड प्रेशर होने का चांस ज्यादा होता है, उनकी वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन इंसुलिन है और ये हमें हर मदर को अच्छे से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात बहुत क्लियर है कि इंसुलिन सेफ है और इसका कारण पता है क्या है? कारण ये है कि देखो गर्भावस्था में क्या है, आपके और आपके शरीर पे जो प्लासेंटा बनता है, जो एक कॉर्ड बनती है जो आपके शरीर से सारा न्यूट्रिशन आपके बच्चे को दे रही है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं प्रेगनेंसी में, जो भी हम मुंह से खाते हैं वो प्लासेंटा के थ्रू आपके बच्चे के शरीर में जा रही है। अब शुगर आपकी बढ़ी है, आपके बच्चे की नहीं बढ़ी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ वो चीज लें जो आपके शरीर में रहे और प्लासेंटा को क्रॉस करके आपके बच्चे के शरीर में ना जाए। तो वही चीजें हम ले सकते हैं जो आपके शरीर में रहे, और इसलिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन आपके शरीर में ही रहता है और आपकी शुगर को घटाता है, आपके बच्चे के शरीर में जाता नहीं है। तो इंसुलिन इसीलिए बहुत सेफ है। जितनी भी शुगर की दवाइयां होती हैं, जेड़ियां भी तुसी दवाइयां मुंह ना लोगे, तुम्हारे ब्लड च घुलन गया ते तुम्हारे बच्चे दे बॉडी जान गया, जे बच्चे दे बॉडी जान गया ते उते वो साइड इफेक्ट कर सकते ने। इसलिए बहुत जरूरी है आपको ये समझाना और समझना कि इंसुलिन आपके लिए सबसे सेफ होता है प्रेगनेंसी में। टैबलेट आपके बच्चे के बॉडी में जाकर नुकसान दे सकती है और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन लो। हाँ, सपोज आप बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं इंसुलिन, बहुत लेट प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरी बहुत पास है, एक दो हफ्ते की बात है और उस वक्त हल्की सी शुगर आई है, तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा बहुत मेटफॉर्मिन नाम की टैबलेट दे सकते हैं जो रिलेटिवली उस वक्त सेफ है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर एकदम शुरुआत की प्रेगनेंसी है और आपकी शुगर पकड़ में आई है, तो इंसुलिन आपके लिए सबसे सेफ है और वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आई थिंक इससे हमने आज बहुत सारे मिथ्स भी अपने बस्ट कर दिए, बहुत लोगों को क्लैरिटी भी आ गई कि हमें क्या करना है। तो डॉक्टर चावला, आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे पंजाबी दर्शकों के लिए, एक नटशेल में एक छोटी सी बात समझाना चाहेंगे, आज आपका संदेश क्या रहेगा? मैं जैसे जिस बात से हमने ये शो शुरू किया, डॉक्टर सुनील इंट्रोड्यूस किया, फोकस ऑन फ्यूचर, ऑन फीटस फॉर फ्यूचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बात को समझना कि आज हम इस साइंस के युग में, हम इस एरा में है जब आज हमें गांव के अंदर रहने वाले पेशेंट को, बिल्कुल जो विलेजर्स हैं उनको भी मोबाइल का मालूम है, उनको टेक्नोलॉजी का मालूम है, उनको सॉफ्टवेयर का मालूम है, उनको एप्स का मालूम है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर इस इंडिया के अंदर है, जहां 80% रूरल पॉपुलेशन है। इसका मतलब हम सब चीज समझते हैं, हमें साइंस समझ आती है। आपने एक चीज बड़ी अच्छी अभी कही कि ये एक मदर और बेबी के अंदर प्लेसेंटल बैरियर है। इसको मैं नॉर्मली कंपेयर करता हूँ कि जैसे आप दीवार के परली तरफ है, आप सारा घर बंद करके भी बैठते हैं, शीशे के घर में है या ब्रिक हाउसेज में, अंदर भी आपका मोबाइल चल रहा है। इसका मतलब रेडिएशन अंदर तक जा रही है। इसका मतलब मदर के अंदर हर दवाई, मदर के अंदर कोई इलनेस आ रही है, ब्लड प्रेशर है, कोई ड्रग्स वो मदर ब्लड प्रेशर के लिए यूज कर रही है, शुगर के लिए ड्रग्स यूज कर रही है, वो बच्चे को उस प्लेसेंटर बैरियर के थ्रू क्रॉस होने का रिस्क है। इसलिए अगर हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए लाइफ में, एक मेरे को कोट याद आती है, जब हम फाइनल ईयर में पढ़ते थे हमारी बुक में ये होता था, द ग्रेटेस्ट थिंग ए फीमेल कैन डू इन हर लाइफ इज टू हैव ए नॉर्मल बेबी। वो आज भी वो फैक्ट है, बहुत जरूरी है। है कि इस एक फीमेल के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में है कि एक हेल्दी बेबी हो, ताकि उसका वो वंश एक नॉर्मल वंश चल सके। इसलिए हम इस साइंस के युग में, हम सिर्फ इसलिए भगवान के भरोसे नहीं रहे कि ये प्रेगनेंसी अपने आप जब होएगी ठीक होएगी, बच्चा तो भगवान ने देना, जब भी होएगा गोद भरी जाएगी, अपने आप साथ ठीक होएगा। साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुहानू पहले तो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, तो 3 महीने पहले काउंसलिंग लो, गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन मिलो, जाके अपना शुगर कंट्रोल करो, टैबलेट्स बंद करो। तुहानू ब्लड प्रेशर है तो सेफ टैबलेट डालिया जाएंगियां, तुसी टैबलेट्स से शुगर कंट्रोल कर रहे हो तो तुहानू इंसुलिन शुरू की जाएगी, और इंसुलिन तो अपना शुगर 6 और 6.5 दे विच लियाओ, मतलब तुहाडे एवरेज शुगर 140 तो उपर ना जान, तद तुसी प्रेगनेंसी दा प्लान करो। अगर तुहानू पहले शुगर नहीं हैगी है और फर्स्ट सेमेस्टर 13 वीक
से पहली बार प्रेगनेंसी आके पता लगे कि शुगर ज्यादा है, ज्यादा तो ज्यादा 2 वीक्स लाइफस्टाइल रहन सहन दे अंदर चेंजेस करके देखो, अगर शुगर फिर कंट्रोल नहीं आता है तो हिचकिचाट ना करो इंसुलिन ते, तुसी इंसुलिन नू यूज करो, इंसुलिन तो डरो नहीं, आज दे दिन पेन्स अवेलेबल है, बड़ी अच्छी सिरिंजेस अवेलेबल है, इंसुलिन लगाना इच कोई दिक्कत नहीं है आने वाली, क्योंकि तुहाडे बेबी का फ्यूचर तुहाडे हाथ च है। अज तुसी ये 6 महीने या 9 महीने अगर इंसुलिन का थोड़ा जा कष्ट भी मान लिया जाए अगर लोगे अपने शुगर करोगे तो बेबी का फ्यूचर ठीक आएगा। यहाँ पे ना एक सवाल आया था जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। हमारी एक दर्शक है अनीशा प्रफुल, इन्होंने पूछा कि क्या प्रेगनेंसी में इंसुलिन पंप सेफ होता है। तो दोस्तों ये बात मैं ही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने प्रेगनेंसी प्लान कराई या टाइप 1 डायबिटिक हैं, प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और उन्हें इंसुलिन की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन पंप एक डिवाइस होता है जो हम आपकी बॉडी के साथ अटैच करते हैं एक ट्यूबिंग की मदद से और उसके अंदर इंसुलिन भर दिया जाता है। तो इंसुलिन पंप 100% सेफ है। ये सिर्फ एक तरीका है आपके बॉडी में इंसुलिन देने का, क्योंकि इंसुलिन से कई लोग ना डरते सिर्फ इसलिए हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन है, तो लोगों को लगता है अरे मैं टीका क्यों लगाऊंगी। तो इंसुलिन तो एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बनता है जिसका काम है कि शुगर को यूज करना, इसलिए ब्लड ग्लूकोज को वो कंट्रोल कर लेता है। तो यदि आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो इंसुलिन के बड़े सिंपल से पेन्स अवेलेबल हैं, उनकी बड़ी छोटी सी नीडल होती है जो पता भी नहीं चलती है, मच्छर बाइट होता है ना, मच्छर काट गया उतना भी डंक नहीं लगता है इंसुलिन की नीडल का, इतनी फाइन नीडल होती है, पता भी नहीं चलती। और अगर आप बार बार इंजेक्शन नहीं भी लगाना चाहते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंसुलिन पंप्स अवेलेबल हैं, आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होते हैं। तो आप इंसुलिन बिल्कुल सेफ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। शालिनी, यहाँ हम अनिशा जी, शायद ये हो सकता है किसी टाइप 1 बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ या खुद हो, और वो शायद ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो ऑलरेडी इंसुलिन पंप पर हैं तो क्या प्रेगनेंसी रह सकती है। तो यदि आपका इंसुलिन पंप पर भी है तो आप अच्छा शुगर कंट्रोल रखिए, HbA1c आप कोशिश कीजिए 6 के अंदर, एटलीस्ट 6.5 पर आए। आपका जो मीन ब्लड शुगर है वो 105 के अंदर होना चाहिए, फास्टिंग हम बोलते हैं 90, पोस्ट मील बोलते हैं 120, बट हाईएस्ट शुड नॉट गो अबव 140, लोएस्ट हम लोग बोल रहे हैं कि 70 के नीचे ना आए या 65 के नीचे ना आए। तो ये आप यदि करते हैं तो इंसुलिन पंप इज सेफ और इस पर आप रह सकते हैं और पूरी प्रेगनेंसी। और ये भी देखा गया है इंसुलिन पंप के बारे में कि इसमें लोअर हाई की रिस्क कम होती है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हर टाइप 1 डायबिटीज को प्रेगनेंसी के पहले इंसुलिन पंप लेना है। जो आउटकम है, नियोनेटल आउटकम जो है, यानी बच्चा का जो बच्चे के हम लोग आउटकम देते हैं कि बच्चे का साइज कैसा है, बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं है, तो चाहे आप दिन में 4 बार इंसुलिन लेके कंट्रोल करो, चाहे आप पंप लेके कंट्रोल करो, जो बच्चे का जो आउटकम है वो सिमिलर रहता है। तो पंप पर हमारे हार्डली 1-2% लोग रहते हैं, बाकी सब बच्चे जो होते हैं टाइप 1 वाले कन्वेंशनल इंसुलिन पर रहते हैं। तो उनके मन में ये नहीं आना है कि ये पंप लेना जरूरी है प्रेगनेंसी रखने के लिए, ऐसी बात नहीं है, पर पंप पर आप रह सकते हैं और अच्छे से ये सब काम हो सकते हैं। वेरी ट्रू, पंप तो एक बायोमीडियम है इंसुलिन लगाने का, बस एक तरीका। अगर हम दिन में 4 बार सिरिंज से भी इंसुलिन लगा के और शुगर मॉनिटर करके अपने शुगर नॉर्मल रख सकते हैं, डॉक्टर सुनील ने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ हम ये नहीं एम्फेसाइज कर रहे कि क्योंकि पंप तो 1% लोग भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एम है कि हर फीमेल इंसुलिन पे हो, दिन में 3 से 4 इंसुलिन की डोजेस जैसे उनका फिजिशियन डॉक्टर उनको गाइड करें उसके हिसाब से डोज ले, अपने मीन शुगर 105 के करीब रखें, फास्टिंग 90 के ऊपर नहीं जाए, 2 घंटे के बाद वाला शुगर 120 से ऊपर नहीं जाए, ताकि मीन HbA1c 3 महीने का जो एवरेज शुगर है या मीन शुगर जिसको हम कहते हैं वो 6.5 से ऊपर नहीं जाए। तो हर हालत में ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, बच्चे का वेट बिल्कुल नॉर्मल आएगा, बच्चे का हेड साइज बिल्कुल नॉर्मल आएगा, बच्चे का जो क्राई होती है फर्स्ट, एक टोटल हम स्कोरिंग करते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल आएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं है अगर मदर का शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। अच्छा एक बात और, चलो प्रेगनेंसी हमने प्लान कर ली, प्रेगनेंसी हमारी अच्छी चल रही है, शुगर भी कंट्रोल हो गई, अब डिलीवरी का टाइम आ रहा है, तो ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये आता है कि मुझे डायबिटीज है या जेस्टेशनल डायबिटीज है तो मेरी तो सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। तो इस बारे में भी हम एक ये मिथ बस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको शुगर है और अगर आपकी शुगर्स बहुत टाइट कंट्रोल रही है, प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, तो कोई कारण नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको डायबिटीज है तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी।
डिलीवरी आपकी फुल टाइम, फुल टर्म, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, बच्चे का साइज बड़ा हो गया, बच्चा मोटा हो रहा है, लार्ज फॉर डेट जिसे हम कहते हैं, या आपको हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्पसिया यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपकी डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगी और जरूरत हुई तो सिजेरियन सेक्शन प्लान कर सकती हैं। लेकिन ये एक मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपको शुगर है उसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी और सिजेरियन ही होगी, है ना। एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा आपको एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कई बार बच्चे का साइज ज्यादा है, हेड साइज ज्यादा है, लॉकिंग नहीं हो पा रहा, या आड़ा बच्चा है, तो तब उस सिचुएशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए सिजेरियन सबसे सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि तब भी हम बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे को, बच्चे का हित इसमें है कि नॉर्मल डिलीवरी का बहुत लंबा ट्रायल दें तो बच्चे को कोई इंजरी नहीं हो जाए, तब सिजेरियन सेफ होता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको ऑप्शन देते हैं, देखो अल्टीमेटली सारियां नु चाहिदा है कि तुम्हारा बच्चा हेल्दी होना चाहिदा है। जे तुम्हारी शुगर नॉर्मल है, बच्चा ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा शुगर है सिजेरियन नहीं होगा। सपोज कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा तुम्हारा वड्डा हो गया है, फ्लूइड ज्यादा हो रहा है, शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो तुम्हारे डॉक्टर सिजेरियन वास्ते गल कर सकते हैं। जे जरूरत होगी तो सिजेरियन डिलीवरी होगी, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारा शुगर है तो सिजेरियन ही डिलीवरी होनी है। एक और सवाल साढ़े को आया है एजीपी का, एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइलिंग। भारती वटियानी जी पूछ रहे हैं कि क्या प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर एजीपी लगाना, वो एक सेंसर लगाते हैं हम, एजीपी क्या होता है, एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल। इसका मतलब है एक छोटी सी चिप होती है, एक सेंसर होती है जो हम आपके बाजू पे चिपका देते हैं और वो अपने आप से हर 15 मिनट में आपके स्किन के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, इंटरस्टीशियल ग्लूकोज, वो उसमें से शुगर को डिटेक्ट करता रहता है और आपको 24 घंटे का शुगर का रिकॉर्ड दे देता है। तो क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ होती है, इसे कैसे यूज करना चाहिए, ये बताइए डॉक्टर चावला। ये देखिए ऐसा है, उस सेंसर को लगाने में कोई अनसेफ्टी नहीं है, सेंसर लगाना सेफ है। हम अभी तक ये जो एबर्ट कंपनी का एजीपी का है, उन्होंने इसको अभी तक एक नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं एडवोकेट किया। उसकी रीजन है क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना सफिशिएंट एविडेंस और स्टडीज नहीं है कि जो ये शुगर प्रेगनेंसी में डिटेक्ट करते हैं वो वैल्यूज बिल्कुल मैच करती हैं पेशेंट के ग्लूकोमीटर की वैल्यूज से, क्योंकि बड़ी बार उन वैल्यूज के अंदर शुगर थोड़ा सा लोअर साइड में जाने लगता है। डॉक्टर सुनील ने बड़े क्लियरली कहा कि टारगेट होता है 74 तक, 75 तक भी चला जाए तो सेफ मानते हैं। तो जैसे ये शुगर टुवर्ड 70 जाने लगता है, वो एजीपी की वैल्यूज में कुछ इररेगुलरिटीज आने लगती हैं, तो उसकी वैल्यू उतनी क्लियर नहीं रहती है। लेकिन लगाने में ऑफ लेबल हम यूज करते हैं, लगाने में कोई अनसेफ्टी नहीं है, इसको सेफली यूज कर सकते हैं। सिर्फ जब हम इन वैल्यूज को इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, बैठ के उन वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, वहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ओवर इंटरप्रेट ना करें, गलत इंटरप्रेट ना करें। एक सिंपल मैसेज ये हो सकता है कि एजीपी लगाना प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, लेकिन आप एजीपी को यूज कीजिए पैटर्न देखने के लिए कि दिन के शुगर नॉर्मल चलती है, टाइट चलती है, कहीं लो तो नहीं जा रही, कहीं हाई तो नहीं जा रही। तो पैटर्न देखना चाहते हैं आप कि मेरा रात में सोते हुए शुगर कैसी रहती है। अब आप हर बार तो पिन मार के शुगर चेक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एजीपी को यूज करो अपना पैटर्न स्टडी करने के लिए कि फ्लक्चुएशन तो नहीं है। एक टर्म होती है ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी, इसका मतलब है कि कब शुगर ऊपर जाती है, कब शुगर नीचे जाती है। बहुत ज्यादा शुगर में फ्लक्चुएशन होगी ना, तो वो प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप वेरिएबिलिटी देखना चाहते हो तो आप एजीपी को यूज करो, लेकिन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट अपना इंसुलिन का डोज डिसाइड करना है, बारीकी से जानना है कि मेरी एग्जैक्टली खाली पेट शुगर कितनी है, एग्जैक्टली नाश्ते के 2 घंटे बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद कितनी है, तो वो आप ग्लूकोमीटर से जरूर चेक करो। तो यू कैन यूज एन एजीपी एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन डिवाइस टू लुक एट योर शुगर प्रोफाइल्स, बट पॉइंट टू पॉइंट टेस्टिंग के लिए आपको अपना शुगर ग्लूकोमीटर से ही टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ग्लूकोमीटर से मॉनिटरिंग मस्ट है प्रेगनेंसी में। भारती जी को ये बताना जरूरी है, भारती जी को ये बताना जरूरी है कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एसएमडी। आपको ग्लूकोमीटर तो रखना ही है, हर प्रेगनेंट वुमन जिसको प्रेगनेंसी की डायबिटीज है उनको शुगर की मॉनिटरिंग खाली पेट करनी पड़ती है, तो नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, रात के खाने के 2 घंटे बाद, इस तरह से टेस्ट करनी पड़ती है। आपका डाइट कंट्रोल है तो आपको कम बार बोलेंगे करने में,
डाइट पे यदि कंट्रोल हो गए तो, परंतु यदि आपको इंसुलिन चालू है, 3-4 बार चालू है, तो आपको बार बार टेस्ट करते रहना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कविता मैडम हमेशा उदाहरण देती है कि जब अपन खाना बनाते हैं तो नमक टेस्ट करते हैं, मिर्ची टेस्ट करते हैं, तो इस तरह से आप जब इंसुलिन ब्लाइंडली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लेते रहे, डॉक्टर साहब ने, राजीव सर ने लिख दिया 4-4 यूनिट लेना है तो आप ले ही रहे हैं बगैर चेक किए, ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह से खाना चेक करते हैं वैसे ही आप जब आप स्वाद टेस्ट करते हैं वैसे ही आपको इंसुलिन आपका कितना काम कर रहा है, किसी को कम डोज लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। और इम्पोर्टेंट बहुत है इसमें, शालिनी आपने तो बहुत अच्छे से समझाया, राजीव सर ने भी, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है हमारी सभी महिलाओं को, दो चीज इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, इम्पोर्टेंट क्यों रहता है टेस्ट करना, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है, इंसुलिन के डोजेस बढ़ते हैं, शुगर बढ़ते हैं, तो ये हमको अकॉर्डिंग टू शुगर आपको डोजेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज, लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि इंसुलिन चालू किया तो उसकी आदत लग जाती है, जैसा लोगों ने अक्सर पिक्चर में देखा है ना, ड्रग लेते हैं वैसा इंजेक्शन, आदत लग जाएगी, बंद नहीं होगा, आगे भी मेरे को लेना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। आपका प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद यूजुअली खत्म हो जाता है 90% लोगों में, और उनको गोलियां हो या इंसुलिन सब बंद हो जाता है। और जिन लोगों को चालू रहता है उसमें हम लोग एक ब्रेस्ट फीडिंग पे हम लोग नेक्स्ट एक जाने के पहले एक बार वो भी बात कर लेना चाहिए शालिनी, कि ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जिस समय यदि बच्चा दूध पीता है माता का, तो उस समय भी इंसुलिन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये गोलियां भी ब्रेस्ट मिल्क में माँ के स्तन से दूध में निकल सकती हैं, और बच्चा जब दूध पीता है तो उनको भी गोलियां उनके शरीर में भी जा सकती हैं। तो सभी दवाइयां तो नहीं, परंतु कुछ कुछ गोलियां जो अलाउड है अपने डॉक्टर की परमिशन के सिवा, आप अपनी, कई बार क्या होता है डायबिटीज है, डिलीवरी हो गई, अपन अपनी पुरानी गोली बगैर डॉक्टर से पूछे चालू कर लिया और वो फिर बच्चे में वो दूध में जाने लग गई, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप जितना ज्यादा, जिन लोगों को सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज है, वो डिलीवरी के बाद में उनका डायबिटीज खत्म हो जाता है, परंतु यदि आप ज्यादा समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, ज्यादा समय तक बच्चे को स्तनपान करेंगे, तो इन माताओं को आगे आने वाले समय में मधुमेह होने की संभावना कम होती जाती है। बच्चा भी बेनिफिट, और ब्रेस्ट फीडिंग भी हमको प्रमोट करना ही चाहिए, बिल्कुल जी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कम से कम 6 मंथ्स या 1 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग हमें प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी उस फीमेल को आगे दोबारा डायबिटीज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सिर्फ एक ही बात है, डॉक्टर सुनील ने बड़ा क्लियर कर ही दिया कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो क्योंकि सब गोलियों की संभावना रहती है, कोई 50% तक जाती है, कोई 80% तक भी ब्रेस्ट मिल्क से जाती है स्तन के थ्रू, तो उनको भी इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, टेबलेट सेफ नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने बात की ब्रेस्ट फीडिंग की भी, हमने बात की थ्रू आउट प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी प्लानिंग की। सपोज आपको एक बार प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, तो पता क्या है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि हमें तो एक बहुत हेल्दी बच्चा चाहिए, हम सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो हम ढीले पड़ जाते हैं, वो सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे को केयर कर रहे हैं, बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपने डिलीवरी के बाद वेट वापस पुट ऑन कर लिया, उसे लूज नहीं किया, आपने अपना वजन जो गेन किया था उसको आपने घटाया नहीं, तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले अगर डायबिटीज आ गई, तो इस बार डायबिटीज वापस नहीं जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप डिलीवरी के बाद भी अपना उतना ही ध्यान रखें जितना आप प्रेगनेंसी में कर रहे थे, नाप तोल के खाएं, हेल्दी रहें, जितना वजन आपने पुट ऑन किया है उसको लूज करें, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज को मैं एक अलार्म की घंटी बोलती हूँ, अलार्म बज गया कि शुगर आने वाली है, एक बार आई और चली गई, अगली बार अगर आई तो रह जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस अलार्म को हमेशा याद रखें, डिलीवरी के बाद भी अपना ध्यान रखें, साल में एक बार अपना GTT करके अपना चेक करते रहे कि कहीं मुझे डायबिटीज वापस तो नहीं आ रही है, और अगली बार जब प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो बहुत जरूरी है उससे पहले ही अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाएं, क्योंकि ऐसा है कि अगर पहली बार डायबिटीज आई थी तो दूसरी बार दोबारा आ सकती है, और इस बार और जल्दी आएगी। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज आई, वो आपको अलार्म बजा गई, सचेत कर गई कि अब सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधान हमें लाइफ लॉन्ग रहना है, क्योंकि डिलीवरी के पहले 5 सालों के अंदर अंदर अगर आपको GDM हुआ था तो विदिन 5 ईयर्स आप डायबिटिक टर्न होने के आपका रिस्क ऑलमोस्ट 50-80% होता है, और हर कुछ साल में ये रिस्क बढ़ता जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज आपके लिए एक अलर्ट है,
एक एक अलार्म है ये जानने के लिए कि भैया अब बहुत हो गया, डायबिटीज से बचना है तो अभी से हमें सावधान रहना पड़ेगा। तो आई थिंक इसके लिए डॉक्टर शालिनी, पहली जांच डिलीवरी के 6 वीक्स के ऊपर और फिर 6 महीने के ऊपर, अगर ये दोनों नॉर्मल है और फिर हर साल, फिर भी हर साल, फिर अभी 1 ईयर हमें देखना है, लेकिन पहली जांच 6 वीक्स के ऊपर जरूर की जाए, फिर 6 मंथ्स पे और फिर 1 ये देखने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज चली गई या अभी भी, या हाँ जी, ताकि अगर वो शुगर हाई रहते हैं तो उन फीमेल्स को फिर डॉक्टर राजीव, डॉक्टर शालिनी, हमारा समय बहुत कम है, 2 बुलेट क्वेश्चन आप दोनों के लिए। मुझे मालूम है शालिनी का काम है पूछना और राजीव सर का आंसर देना, पर मैं बीच में यहाँ पर आ रहा हूँ और आप उसको पंजाबी हिंदी जैसा चाहे दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए अबाउट पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जो यंग बच्चियों में बहुत हो रहा है। तो हम जब शादी के पहले एकदम से बहुत मेहनत करते हैं, वजन कम कर लेते हैं, अच्छा लड़का मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम यू नो अपने हस्बैंड को पटाने के लिए, वुड बी हस्बैंड को पटाने के लिए हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद जैसे ही शादी होती है, बच्चा होता है पहला, उसके बाद में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तो हमने कि जब हम जो प्रेगनेंसी के लिए जब हम प्लान करते हैं तो उसके पहले जो मोटापा है यदि हम उसको अच्छे से कंट्रोल में करें तो शायद हम होने वाले GDM से भी बच सकते हैं। एक रिमोट पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी वो है। आपने डॉक्टर सुनील, बड़ी अच्छी बात, ये हम जब GDM की बात कर रहे थे कि यंग बच्चियां जो है उनके लिए बहुत जरूरी है समय में। हाँ, जब हम ये बात कर रहे थे कि आपने बड़ा ठीक से कहा था कि हर छठी फीमेल के अंदर डायबिटीज होने का रिस्क है, वो इसी वजह से है जो डॉक्टर शालिनी ने शुरू में भी कहा था। एक तो आजकल मैरिजेज लेट होती है, लगभग एवरेज एज 23-24 से 28-29-30 साल तक हो गई है, और ये बहुत कॉमन है कि इन बच्चों के अंदर, यंग फीमेल्स के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है हमारा, हम खान पान ज्यादा है, एक्सरसाइज लेवल बहुत कम है, तो इनको PCOD बोलते हैं। इन फीमेल्स में शुरू से साइकिल जो है, उनके मंथली साइकिल चल रहे हैं वो इररेगुलर चल रहे हैं, और इसके लिए बेस्ट वे है कि वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट की इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करें ताकि इन PCODs को बाद में कंसीव होने में आसान हो। जब तक आपको PCOD है आप कंसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके साइकिल्स इररेगुलर है, इनको बोलते हैं एनओविलेशन वाले साइकिल है, उनके अंदर ओविलेशन हो ही नहीं रही, अंदर अंडा बनेगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन PCOD फीमेल्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको ना केवल सिर्फ GDM होने का रिस्क है, सब्सिक्वेंटली इनको Type 2 डायबिटीज होने का रिस्क भी बहुत हाई है। तो और इसके लिए बेस्ट मेडिसिन, ड्रग्स भी फिजिशियंस या आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको देंगे अगर जरूरत होगा, लेकिन बेस्ट मेडिकेशन इसके लिए वेट रिडक्शन है। अगर आप 10% अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो लगभग सारी चेंजेस रिवर्स हो जाएंगी और आप एक नॉर्मल कंसेप्शन, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ले पाएंगे। और डॉक्टर सुनील ने बड़ा अच्छा कहा कि आप उसके लिए शादी होने से पहले प्रिपेयर करते हो, आप वेट भी रिड्यूस करते हो, बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते हो अच्छा लुक आने के लिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं वो व्रत रखती हैं कि हमें एक अच्छा पति मिले। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को प्रिपेयर करें टू गेट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, अपना वेट रिड्यूस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अच्छी डाइट खाएं और कम से कम कैलोरीज का यूज करें ताकि हमें ना PCOD हो, ना सब्सिक्वेंटली GDM हो, और ना ही लॉन्ग टर्म में हमें प्रेगनेंसी हो, ना ही लॉन्ग टर्म में हमें टाइप 2 डायबिटीज हो। लास्ट राजीव सर और शालिनी आप दोनों के लिए, यार आप लोगों ने बता दिया बड़े अच्छे से प्यार से हिंदी पंजाबी में कि ये हमको ऐसा करना वैसा करना, खाने के बारे में हमारी ज्यादा बात आपने नहीं करी क्योंकि आपको मालूम है पंजाब तो खाने के लिए फेमस है। तो अभी आप मुझे लास्ट में एक बताइए कि ये जो डिलीवरी के बाद के जो लड्डू है वो हमारे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम उसको कैसा करेंगे यदि आपका डायबिटीज रहता है तो। ये एक लास्ट कमेंट अबाउट दी हाई कैलोरी डाइट आफ्टर डिलीवरी लड्डू के ऊपर। हमारे पंजाब में ना लड्डू खिलाए जाते हैं, पिनिया खिलाई जाती है, यू नो पेक्यों पिनिया आ जांदियां ने ना कि साडी कुड़ी दी डिलीवरी हुई है, क्यों पीना है, घी पिलाया जाता है दाल के अंदर, हर चीज के अंदर क्यों पिलाओ, पिनिया खिलाओ, क्योंकि लोगों को लगता है कि डिलीवरी हुई है ते हुन ते बड़ी वीकनेस आ गई, बहुत वीकनेस हो गई। तो ये सारे हाई कैलोरी डेंस फूड्स दिए जाते हैं और होता क्या है, हम फूलते जाते हैं तो जो लड़की शादी से पहले ऐसी होती है ना
शादी के 5 सालों में वो ऐसी हो जाती है ना, तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ घी पीने से ही हमारे को आएगी बहुत सारी ताकत, बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ खाना भी है तो आजकल तो हमारे पास ना खूब सारे नट्स डालो उसमें, उसको हेल्दी बनाओ, उसका फाइबर कंटेंट बढ़ा दो, है ना। तो उसके अंदर ये हाई कार्बोहाइड्रेट डालने की जगह उसमें फाइबर ज्यादा डालो, उसमें ऐसी चीजें मिक्स करो जो हमारे लिए हेल्दी रहे और शुगर ना बढ़े। हम सोचते हैं कि गुड़ खाना बहुत अच्छा है, शहद, शक्कर, चीनी, ये सारी चीजें शुगर नहीं है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली तो गन्ने का ही अलग अलग रूप है ना, उसको थोड़ा चमकाया तो वो गुड़ बन गया, और चमकाया तो उसको हमने खांड बना दिया, और फिर हमने उसकी प्रोसेसिंग कर दी, शाइनिंग कर दी, तो वो शुगर बन गई। तो जड़ तो वही था। तो चाहे गुड़ है, चाहे शहद है, चाहे शक्कर है, वो सब एक बराबर है, वो सब आपकी शुगर को खराब करेंगे। तो बहुत जरूरी है आप फ्रूट्स खाओ, आप हेल्दी फूड्स खाओ, वो बहुत जरूरी है। बताइए बताइए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने शुरू में भी कही थी कि जो आपका प्री प्रेगनेंसी वेट होता है उसमें एवरेज 9 से 11 किलो वेट इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, तो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद मदर का एम होना चाहिए कि वो 11 किलो आप वापस शेड करो। अगर आप वो वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो आपको जीडीएम से टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसलिए एक हेल्दी डाइट लें, अपने डाइटिशियन से ओपिनियन लें। ये सब चीजें जैसे डॉक्टर शालिनी ने बड़ा क्लियरली कहा, ये सब चीजों की मीठों की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छी डाइट ले लें जिसमें हमें प्रोटीन भी मिले, कम फैट मिले और कैलोरीज एक्सेस में ना मिले। बहुत सारे मेन्यूज, बहुत सारी और डाइट्स के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल डाइट्स को डिस्कस करने का, जिसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होंगी लेकिन हमें नट्स भी मिल जाएंगे, मिलेट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा और सीरियल्स भी मिल जाएंगे। इस फॉर्म में हम लें ताकि हम अपना वो बढ़ा हुआ 9 से 11 किलो का वेट एम होना चाहिए कि विद इन 9 मंथ्स हम उसको लूज कर दें और ओरिजिनल वेट पे आ जाएं, ओरिजिनल फिगर पे आ जाएं। एक सिंपल बात है, अगर आप बैक टू ओरिजिनल फिगर आ जाते हैं तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगले 1 साल में बहुत ही जागरूक रहना है, वेट ना तो गेन करना है और जितना गेन प्रेगनेंसी में किया था वो हमने जरूर अपना शेड करना है। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर शालिनी एंड डॉक्टर राजीव चाला, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कशन करने की कोशिश करी, लोकल लैंग्वेज में डिस्कशन करने की कोशिश करी। आप सभी श्रोताओं को पुनः दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को यह भी बता दें कि हर बुधवार को 6 से 7 अलग अलग एक्सपर्ट के साथ हम अलग अलग भाषाओं में, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी दूसरी भाषाओं में भी हम मिलेंगे और जनरल भी मिलते रहेंगे। आप लोग यह कार्यक्रम अटेंड करें और जितना हम लोगों से बन सकता है उनसे हमसे बात करने की भी कोशिश करें। विद दिस आई स्टॉप हियर। शालिनी, शुड यू कंक्लूड नाउ? थैंक यू सो मच। फाइनल मैसेज, वन लाइन मैसेज फ्रॉम डॉक्टर राजीव एंड शालिनी। आई थिंक हमने काफी चीजें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज का इस पूरे शो का हमारा मकसद ये था कि हम अपनी सारी पॉपुलेशन को, खासकर रूरल पॉपुलेशन को जागरूक कर सकें कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है आज के दिन में, जिसको बच जा सकता है। एक नॉर्मल बच्चे की कंसेप्शन ली जा सकती है, गर्भावस्था ली जा सकती है और मदर एक नॉर्मल बेबी को डिलीवर कर सकती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, अगर हम day 1 से सारी की सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। बिल्कुल। और मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि जस्ट बिकॉज हमें डायबिटीज है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत कुछ पॉसिबल है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है। और अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज भी हुई है तो उसमें भी आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, लूज करेंगे वेट अपना, सब चीजों का ध्यान रखेंगे, शुगर टाइट कंट्रोल करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो जाए या आपको फर्दर कोई रिस्क हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि अपनी शुगर के लिए आप अवेयर रहें, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वजन कम करें, अपनी शुगर्स चेक करें कि कहीं आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज तो नहीं है, और अगर डायबिटीज डिटेक्ट होता है उसे ढंग से मैनेज करें, और नहीं भी है तो ट्राइमेस्टर वाइज अपनी गायनी के साथ जब कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो अपनी शुगर चेक करते रहें, और कहीं भी थोड़ा सा भी अंदेशा आए तो उसे तुरंत कंट्रोल करें अपने डॉक्टर की मदद से, ताकि आपका एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और हेल्दी बेबी बॉर्न हो और हम डायबिटीज के फ्यूचर रिस्क को रोक सकें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो इंसुलिन लेने से हिचकिचाए नहीं, ये बहुत जरूरी है।
हमने तीनों ने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि इंसुलिन लेने से हिचकिचाए नहीं, क्योंकि इंसुलिन ही आपके बच्चे को नॉर्मल लाइफ लाइन दे सकता है। अगर मदर का शुगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगा इंसुलिन के साथ, तभी वो नॉर्मल लाइफ लाइन आएगी। और एक जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा एक स्वप्ना है कि नॉर्मल जच्चा बच्चा हो, वो तभी संभव हो पाएगा। Heartfelt thanks to both the speakers, and thank you Mosley for coordinating this. We will wind the session now. Thank you very much. Congratulations once again. Thank you. A lot of messages coming. Congratulations. They have really learned a lot. Awesome session. Very informative. Amazing session. Good messages coming across. Congratulations, both of you. Great. Thank you. Thank you. I hope it was informative. Thank you. Bye. Bye. Bye.